बात करते हैं यार मीडियन नब इंजरी की, ठीक है? तो मीडियन नब इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉट? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लिबरर्स नब। एंड यहाँ पे सेंसरी सप्लाई किसका होता है, मोटर सप्लाई किसका होता है, ये इंपॉर्टेंट है। सो अगर हम बात करें सेंसरी सप्लाई की, तो जो मीडियन नब है इट सप्लाई सेंसरी सप्लाई किसको देता है भाई, लेटरल 3.5 फिंगर्स इन पाल्मर आस्पेक्ट, ये लिखना होता है एग्जाम में, ठीक है? ये लिखना है भाई, 5 नंबर में क्वेश्चन आया तो ये लिखना है। एंड टिप ऑफ लेटरल 3.5 फिंगर इन डर्सल आस्पेक्ट एट फ्लेक्शन और एट फ्लेक्सर रेटिनाकुलम किसको सेंसरी सप्लाई देता है? एट फ्लेक्सर रेटिनाकुलम डीप ब्रांच जो है ना, वो सप्लाई करेगा टू दी थिनार मसल्स एंड दी फिंगर सेंसेशन। एंड सुपरफिशियल सप्लाई किसको देता है? सुपरफिशियल सप्लाई सेंसेशन ओवर थिनार एमिनेंस। एंड ऑटोनोमस जोन में किसको सप्लाई करता है? टिप ऑफ द फिंगर इंडेक्स और टिप ऑफ द इंडेक्स फिंगर, ये सिर्फ और सिर्फ मीडियन नर्व सप्लाई करता है। टिप ऑफ दी इंडेक्स फिंगर, टिप ऑफ दी इंडेक्स फिंगर ओनली मीडियन नब। तो ये सेंसरी सप्लाई हो गया यार किसका, मीडियन नब का। नाउ अगर हम मोटर सप्लाई की बात करें मीडियन नब की, तो मोटर सप्लाई में यहाँ पे आर्म को, आर्म के अंदर कोई सप्लाई नहीं देता, आर्म के अंदर नो मोटर सप्लाई। एंड फोर आर्म में बात करें, सो फोर आर्म में ऑल दी एंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल ऑफ फोर आर्म एक्सेप्ट फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस एंड मीडियल हाफ ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम पाल्मरिस, ठीक है? एंड हैंड के अंदर ऑल, हैंड के अंदर किसको मोटर सप्लाई करता है यार, ऑल थिनार मसल्स एक्सेप्ट एडक्टर पॉलिसीस एंड एंटीरियर इंटरोसियस नर्व जो है वो किसको सप्लाई करता है, विच इज़ दी ब्रांच ऑफ व्हाट, विच इज़ दी ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व। एंड पोस्टीरियर इंटरोसियस नर्व इज दी ब्रांच ऑफ व्हाट, रेडियल नर्व, ठीक है? हमने पिछली वीडियो में देखा था। सो जो एंटीरियर इंटरोसियस नर्व है इट सप्लाइज फ्लेक्सर पाल्मरिस लॉन्गस एंड लेटर हाफ ऑफ फ्लेक्सर डिजरम पॉलिस, ठीक है? एंड प्योरली जो ये हमारे पास एंटर इंटरोसियस नर्व है इट इज प्योरली मोटर नर्व एंड कैन बी इंजर्ड विदाउट मीडियन नर्व इंजरी और विदाउट इंजरी टू द मीडियन नर्व। एंड इसकी वजह से हमारे पास क्या देखने को मिलती है, वीकनेस ऑफ और वीक ओके साइन, ओके साइन वीक हो जाता है। एंड एंट्री इंट्रोसियस नर्व का पालसी देखने को मिल जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, किलो नेविर
साइन ओके नाउ अगर हम मीडियन अब इंजरीज की बात करें तो एटरिस्ट क्या होगा अगर इंजरी हो गया तो लॉस ऑफ थिनार मसल टोन जिसके वजह से क्या हो जाएगा वास्टिंग हो जाएगा जो थंब का एबडक्शन है थंब का जो फ्लेक्शन है थंब का जो अपोजिशन है वो क्या कर जाएगा लॉस्ट कर जाएगा एंड लॉस ऑफ बटर पॉलिसिस ब्रेविस का एक्शन है ना जिसको हम क्या बोलते हैं पैन टेस्ट ठीक है कौन सा टेस्ट पैन टेस्ट एंड इसमें हमारे पास क्या होता है प्री डोमिनेंट एबडक्टर ऑफ थंब देखने को मिलते हैं तो ये हो गया एट रिस्ट। नाउ एट एल्बो की बात अगर हम करें सो रिस्ट का तो हमारे पास लीजन होगा ही होगा रिस्ट का लीजन तो होगा ही होगा बिकॉज यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं रिस्ट का लीजन हो गया तो इसमें क्या बोलेंगे एप हैंड डिफॉर्मिटी प्लस यहाँ पे फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस फ्लेक्सर डिजिट्रम लॉन्गस फ्लेक्सर डिजिट्रम सुपरफिशियलिस ये इनका फंक्शन क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। नाउ अगर इंडेक्स फिंगर की बात करें तो इंडेक्स फिंगर के अंदर ये फ्लैक्स नहीं कर पाएगा सो इंडेक्स फिंगर डज नॉट फ्लैक्स ऑन मेकिंग अ फिस्ट एंड इसके बाद हमारे पास पॉलिनेटिंग इंडेक्स यहाँ पे बेंडिंग चेन साइन देखने को मिलता है ना पॉप साइंड हमारे पास ऑस्नर्स क्लैप साइन तो ये सब हमारे पास क्या हो गया नोट्स हो गया हमारे पास इसके बारे में मीडियन ऑफ इंजरीज की बात की हमने किसको सप्लाई करता है मोटर सप्लाई सेंसरी सप्लाई इसको लेबरर्स नब भी बोलते हैं बिकॉज मजदूर के जो हाथ होते हैं वो मेन जो है इंटर कंपार्टमेंट मसल्स पे डिपेंड करते हैं जिसको ये सप्लाई करता है कौन मीडियन नब अल्ना नब इज कॉल्ड एज मजिशियस नब फिंगर पे काम करता है